श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको पितृदोष का बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे कि पितृदोष का कारण क्या है और उसे किस तरह बड़ी आसानी से आप उसका निवारण कर सकते हैं। देखिए, परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत परिवारजनों द्वारा जब उसकी इच्छाओं एवं उसके द्वारा छोटे अधूरे कार्यों को परिवारजनों द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, तब उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है एवं कार्यों को पूरा करवाने के लिए परिवारजनों पर दबाव डालती है। अब ये नहीं कि वो प्रेशर इंसानों की तरह डालती है, वो जो दबाव है इस कारण परिवार में शुभ कार्यों में कमी आती है और अशुभता बढ़ती जाती है। इन अशुभताओं के कारण पितृदोष माना गया है। इसके लिए आपको श्राद्ध पक्ष में पितृ शांति एवं पिंड दान करना शुभ रहता है। भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार पुनाम नरकात त्रायते इति पुत्रम एवं पुत्रहीनो गति नास्ति, अर्थात पुत्रहीन व्यक्तियों की गति नहीं होती और पुत्र नाम के नरक से जो बचाता है वह पुत्र है, इसलिए सभी लोग पुत्र प्राप्ति की उपेक्षा करते हैं। हालांकि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, सभी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए अपेक्षा करते हैं, हर किसी को पुत्र चाहिए। वर्तमान में पुत्र एवं पुत्री को एक समान माने जाने के कारण इस भावना में बहुत ही सामान्य सी कमी आई है, परंतु पुत्र प्राप्ति की इच्छा सबको अवश्य बनी रहती है। जब पुत्र प्राप्ति की संभावना नहीं हो तब ही आधुनिक विचारधारा वाले लोग भी पुत्री को पुत्री पुत्र के समान स्वीकार कर लेते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से जीवात्मा को पुत्र नामक नरक से मुक्ति मिलती है। किसी जातक को पितृदोष का प्रभाव है या नहीं, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। अगर आपका जन्म कुंडली नहीं है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपके काम नहीं बनते हैं, जल्दी बंदे बंदे काम बिगड़ जाते हैं। तो जब ऐसी घटनाएं होने लगे तो आपको कुंडली जरूर बनवा के एक बार ज्योतिषी दिखवा लेना चाहिए कि कहीं ये पितृदोष तो नहीं है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।